हेलो दोस्तों, राम राम जी। कैसे आप सब आए हो? क्या सब अच्छे होंगे? और आपकी कमेंट का जवाब तो नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन कमेंट जरूर पढ़ रहा हूँ। कमेंट का रिप्लाई भी जरूर करूँगा, लेकिन अभी समय नहीं मिल पा रहा। तो आप जितनी कमेंट अच्छी अच्छी कमेंट कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 35,000 मेरे सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का ब्लॉग शुरू करता हूँ, देखते रहिए। राम राम जी। मुझे गाने आए हैं छाटने यार लोगों, लेकिन उनमें खराब तो नहीं हो जाए का दल, तो वही इधर डालती हूँ जरा से। पहले इनमें तो छाट लेती हूँ। देखिए ऐसे हो रहे हैं, खराब से हो रहे हैं थोड़ा सा, तो इन्हें छाटने पड़ेगा। इसमें से सही सही से निकालती हूँ। ये निकले हैं ऐसे ऐसे, ज्यादा खराब तो नहीं हो रहे नहीं तो थोड़े निकले हैं, इन्हें काट के डाल देती हूँ। कैसे हो आप सब? आई हो क्या? आप सब अच्छे हो? मैं भी अच्छी हूँ, मेरी फैमिली भी अच्छी है। देखिए मैंने खाना बना दिया है। खाने में बनाया मैंने राता, आलू का राता बनाया है, दिखाती हूँ आपको। देखिए पापा जी, पापा जी कहाँ गए? जाले देखिए, देखिए आलू से आइए। पापा जी पूछ रहे हैं, मेरे पापा जी का पीछे जा रहे बाबू। स्विमिंग पूल का रंग है? स्विमिंग पूल का रंग सुबह पे स्विमिंग पूल का रंग। हाँ नाल नालो जाके इम निमटाती हूँ मैं काम अपना। काम बस ज़्यादा काम नहीं जाता है, झाड़ू पोछा रह रहा है बस। नू तो झाड़ू तो ले आती है मैंने, पर बस गैस साफ करनी रह रही है, पोछा रह रहा है। ये जाकर लाइट आई है, अभी कपड़े धोने हैं, अभी आई है लाइट थोड़ी देर पहले ही। सुबह सुबह आइट दे गई थी कपड़े धोने की, तो अब मैंने उठा दिया है, फाइनल कर दिया है, लेकिन अच्छा भी कर दिया है सारा घर। एक चलती हूँ नीचे कपड़े धोने हैं। कपड़े मैंने ले लिए, नीचे भी उतरे हैं कितने सारे, ऊपर से ले लिए बाथरूम में से। अब चलती हूँ धोने के लिए। देखिए चट्टा मैंने लगा दिया है, और अंकित जो है उधर से मलवा निकाला है। देखिए अंकित मलवा निकाला है, और मैंने ये इनकी जो है जो अंकित ने साफ की थी ये सारी लगा दिया, देख सकते हैं आप। तो इतना चट्टा हमारा इंटरवल लग चुका है, कल से मिस्त्री आ जाएगा, इसलिए पूरी मेहनत चल रही है जोरों शोरों पर। तो आज थोड़ा बहुत लेट हो जाएंगे, आज तो मुझे लगा था यहीं पर 9 बज जाएंगे हमें, क्योंकि काम बहुत है अभी। इस गेट का मलबा निकालना है, और ये तो भरा पड़ा देख सकते हैं आप। और अंकित फिलहाल इसका निकालना है, तो मैं ये ईंटा लगाता हूँ, और इसके बाद मैं भी मलबा गिरवाता हूँ, क्योंकि मलबा देखे कितना भरा हुआ है यहाँ पर। ये चौखट निकलने दोनों गेट, तीनों गेट निकलने हैं। देखिए फिलहाल यहाँ थे मलबा उठ रहा है, उतरिए फटाफट कर ले करके। देखिए जी मलबा इस कमरे के यहाँ से निकल चुका है, यहाँ चिड़ा चले गए ना कल, तो यहाँ से हमने मलबा निकाल दिया। अंकित ने गड्ढा मलबा यहाँ से, अंकित और भी आ चुका है अभी, फिलहाल अभी आया है। और आज थोड़ा हम लेट हो गए, यहाँ पर 9-10 ही बज सकते हैं, और वो लोग का पता नहीं किस टाइम मेरा लगा। तो पहले लाइट की व्यवस्था कर रहे हैं, जिससे कि चांदना में भरपूर मिले।
बस 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 ठीक है ठीक है। यहाँ से छोड़ दे तो यहाँ से मलवा निकालना है दोनों गेटों से, तो बल्ब लग गया यहाँ से, तो उन दोनों गेट में से हमें मलवा निकालना है। इसमें लग करनी पड़ेगी बहुत मेहनत। सबसे ज़्यादा मलवा इस गेट में है, कम से कम 2.5-3 फुट और यहाँ तो 1.5 फुट है। क्या टाइम होगा? टाइम होगा 8:15, 1.5 घंटे झटका। अभी करो सुबह के टाइम, अभी कर लें। उन्हें 9 बज चुके हैं जी, और खाना पानी में देखे क्या ले रहे हैं आज। ये फ्रूटी पी रहे हैं, कलन ठंडा, बर्गर और कोल्ड ड्रिंक में है थम्स अप, और ये पेरा फ्रूटी और दो है, तो मैं थम्स अप बोला और दो बर्गर है, दो है तीन तीन बर्गर, लेकिन ये बर्गर नहीं खाने का, तो डेढ़ डेढ़ बर्गर में रंगीत खाएंगे। तो 9:45 हैं और मेरा व्लॉग भी एडिट नहीं हुआ अभी तक, और देखता हूँ थोड़ा वीडियो एडिट करता हूँ, उसके बाद डालता हूँ, अपलोड करता हूँ, तो लेट हो जाऊँगा आज तो देर। तो तीनों भाई बर्गर और ठंडा पी रहे हैं, आप भी खा लीजिए जुट्टा था भाई, तो पहले पूछने ध्यान रहा, तो एक बर्गर तो रह रहा, आ जाइए खा लीजिए आप भी। वीडियो अपलोड कर दिया मैंने और अब चलता हूँ घर, तो गगन अंकित लगे हुए हैं और मैं भी चलता हूँ, तो मुझे पहले 25 मिनट लगे यहाँ पर, चलता हूँ जी। धूम में नहीं होगा, कर दिया धूम में तो होना है, बड़े ठंड हो रही, इतनी गर्मी भी है। तो देखिए मलवा कितना उठ चुका है, अंकित और गगन घेर रहे हैं, मैं भर रहा हूँ वहाँ पर। 10:55 हो चुके हैं और थोड़ा ये काम रह गया बस हमारा, ये रह रहा, सोच रहे कि ये बस ये दीवार, ये मलवा है ना जो गेट के सामने है बिल्कुल, जिससे गेट बंद नहीं हो रहा, खुल नहीं रहा, तो ये हटाते हैं फिर चलते हैं घर। और देखिए अंकित ने अपना कवर मम्मी के इससे लगा रखा है। आज तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत हो गई और पसीना भी अच्छा गया, लेकिन थके नहीं, थकने का नाम नहीं, जब तक मकान नहीं बनेगा जब तक थकेंगे नहीं, आराम पूरी ज़िंदगी आराम ही करना, जब मकान अच्छे हो जाएंगे ना उसके बाद आराम ही आराम है, और अपना काम तो करते रहेंगे। तो ये चट्टा लगा दिया था हमने, और बब्बा जी ने लगाया था, पिताजी ने थोड़ा सा लगा के गए थे, बताए गए थे कि ऐसे चट्टा लगाना है, और उसके बाद मैंने शाम के टाइम आकर ये चट्टा लगाया, और ये मलवा उठा दिया है। अंकित गगन अभी गए हैं बाहर को पानी पीने के लिए, लगा पड़ोस में ताजी के यहाँ पर, और मैंने ही निकाल दिया है मलवा यहाँ से, देखिए। तो निकालता हूँ, गेट बिल्कुल खाली कर दूँगा, ये गेट खाली हो गया,
वो गेट खाली हो गया उधर, ये वाला भी। पसीना देखिए, पसीना में तरबतर हो गए हैं तीनों भाई, पसीनों में तीनों भाई तरबतर हो चुके हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हार रहे क्योंकि ये काम फाइनल करना है और कल मिस्त्री हमारा आ जाएंगे तो उसको जगह मिल जाएगी काम करने की। तो देखिए दोनों गेट के पास से कर निकाल दिया मालूम हमने, ये गेट भी खुल जाएगा भैया, और ये गेट भी देखिए खुल गया, ये रहेगा थोड़ा सा ये भी खुल जाएगा। 11:30 बज चुके हैं जी और हमने तीनों गेट फिट कर दिए, बिल्कुल खाली कर दिए तीनों गेट, तीनों गेट के कमरे देखिए। ये तो खैर अभी मलबा कल वाले को निकटेगा, जब फिर जाएंगे तो मिस्त्री का जुगाड़ हमने कर दिया है, कल को इधर काट देंगे, इधर निकल जाएंगे, नए इधर लगेंगे इसमें। और अभी करनी है तराई, ईंटों की तराई करनी है, तो गगन ने पाइप उठा लिया है और तराई करना शुरू कर देगा भैया हल्के पानी से भाई, चुगर दे घुमाओ जा, ये जाना रखिए ज़्यादा देर ये जान रखना, ईंटों की तराई कर दी है अंकित ने, अपनी मच्छर नहीं लगा दी और उधर पंखा चल रहा है उसका, तो आराम करेगा मुझे, तो खाट यहाँ पर लगा रखे बीच में और मैं गगन चलते हैं मुझे घर, टाइम क्या होगा 11:42 हो गई और घर सब सो रहे हैं, कोई नहीं जाग रहा, तो बस रोटी तो खानी नहीं, भूख नहीं लग रही, वो बस दूध पीना है, दूध पीकर आराम करेंगे सोएंगे, सुबह जल्दी उठना है। गगन खा रहा है खाना और मुझे तो भूख नहीं लग रही, मतलब यार दूध पीऊँगा बस भाई, तो रोटी गगन खाएगा, मैं तो खा नहीं रहा, मुझे भूख नहीं है। और जी घर पर बहुत कड़ी मेहनत चल रही है लगातार, सुबह शाम कार्य पर लगे हुए हैं हम, कभी ज़्यादा टाइम भी हो जाता है और कभी जल्दी भी आ जाते हैं, जिस कारण मुझे वीडियो एडिट करते भी नींद आ जाती है, कल भी ऐसे मेरे साथ वीडियो अपलोड लगा दी और नींद आ गई, आधे पौन घंटे बाद आँख खुली, देखा का 11:45 बज चुके हैं और 11:45 बजे के आसपास कल मैंने वीडियो अपलोड करी थी, तो उसके लिए समझ आऊँगा, थोड़ा थक जाते हैं, काम भी ड्यूटी पे जाना पड़ता है, बहुत काम करना पड़ता है, तो मजदूर अभी तक मिले नहीं क्योंकि अभी जो गेहूँ कट रहे हैं, लेबर कम मिल रही है और तो लेबर नहीं मिल पा रही क्योंकि गेहूँ का सीजन चल रहा है, गेहूँ कट रहे हैं और उधर लान भी कट रहा है, तो इसके लिए मजदूर नहीं मिल पा रहे, तीनों भाई लगे हुए हैं कड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो आज के लोग हमारा कैसा लगा कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद, राम राम जी।